नमो नमः समग्र गुजरात विविध बी एड महाविद्यालय ये अध्यापन कार्य ते संस्कृत सर्वेवारोकप्रिय संस्कृत पुनः पाठ से द्वितीय भागे शिक्षार्थ प्रकल्पे स्वागत अस्ति। मिरा टोटल संस्कृतम्, शास्त्रीय संस्कृत प्रश्नपत्र चर पाठा सी तु चु पाठ प्रथम पाठ लोकप्रिय संस्कृत इस पाठ का आरंभ प्रथम भाग में थोड़ी सी प्रस्तावना हमने देखी उस प्रस्तावना के पश्चात हमने दो गीतों का अध्ययन भी किया था एक गीत प्रस्तावना में था लक्ष्यमस्ति निश्चितम तथा विचारितम आचरेम मित्र संस्कृत न पाठनम संस्कृत विषय का पाठन संस्कृत में ही करने के लिए संस्कृत माध्यम में करने के लिए एक सुंदर गीत हमने देखा था उसी पाठ में दूसरा गीत था सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललित रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा क्लिष्टा न कठिना अमृतवाणी संस्कृत भाषा न क्लिष्ट है न कठिन है ऐसे भाव को उजागर करता हुआ यह गीत भी हमने प्रथम भाग में देखा था अद्य द्वितीय भाग आज उसी उपपाठ का द्वितीय भाग हम यहां पर देखेंगे प्रथम पाठस्य नाम संस्कृत महत्व गीता देशभक्ति गीता चम गीत सुरस सुबोधा विश्व दूसरे गीत से आज हम यहाँ शुभारंभ करते हैं द्वितीय द्वितीयम द्वितीय किम पठत संस्कृतम अत्यंत सरल शैली में लिखा गया यह गीत पठत संस्कृतम अद्य अहम गान करोमि कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण कुरंतु च कूँ पठत संस्कृत वदत संस्कृत लसत संस्कृत चिं गृ पुनरपी लसतु संस्कृत चिं गृ ज्ञान ज्ञानवैभव वेदवाङ्मयम् लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितम् कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभासकालिदासबाणमुख्यकविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम् लसतु संस्कृत चिरम गृहे गृहे च पुनरपि यदि यहां पर मैं इस गीत का भावानुवाद प्रस्तुत न भी करूं तो भी समझ में आएगा इतनी सरल शैली में लिखा गया यह गीत ज्ञान वैभव वैभवम समृद्धि ही ज्ञान से समृद्धि ही अस्ति वेदवांगमयम दृशम कैसा वैदिक साहित्य भव भय अपहारी अपहारी भव मने संसार भव सागर भवसागरात अपहारी पार लगाने वाला लसती जहां विलसती विलास करता है तादृशम संस्कृत ज्ञानम अतः हे मित्र पठत संस्कृतम वदत संस्कृत द्वितय पद्यम यस्य मनवते वाग्विचिता हिवाक्षु यीक्ष्य मधुरता यदि नैव जानते भारतीय संस्कृति सनातनाधंबरा नैव जानते भारतीय संस्कृति सनातनाधंबर पठत संस्कृति वदत संस्कृति लसत संस्कृत चिं च पुनरपि लसतु संस्कृत चीर गृह गृहे पुनरपि वे सर्वे संस्कृत प्राध्यापका संस्कृत छात्रा संस्कृत पुनः एक फिर से एक बार संस्कृत प्रत्येक घर घर्तिगृह गृह गृहे विलसत पुनः एक बार हरेक घर में संस्कृत पहुँचे भाव अंतिम पद्यम जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतुमनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतुमनुकुलम् पठत संस्कृत वदत संस्कृत लसत संस्कृत चीर गृहे गृह पुनरपि वर्गखंडे संस्कृत भाषावातावरण निर्माण एक गीत अतीव एतस्य भावपूर्ण गीतस्य लेखकः श्रीमान मंजुनाथ शर्म महोदयः अधुना चतुं गीत पशा गीत सी अवनीतल पुनरवतीर्ण गंगा धारा आपके मन में प्रश्न होगा एका गंगा पतित पावनी गंगा हिमालयात प्रवहति पश्चिम बंगाल प्रति गच्छति सागरम प्रति गच्छति द्वितीया गङ्गा का संस्कृतगङ्गा संस्कृतगङ्गाधारा गीतम् आस्वादयामः अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा व्यम तो कृत निर्धारा सर्वे संस्कृत प्राध्यापका संस्कृत छात्रा संस्कृत ये पठंती जो कोई भी पढ़ रहा है वे सभी सभी लोग वह सर्वे कृत निर्धारा कृतसंकल कौन सा संकल्प अवनीतलम पृथ्वीतलम अवतीर्णा ऐसा पृथ्वीतलम अवतीर्णा संस्कृत गंगाधारा सर्वे धीर भगीरथ वंश अस्माक हमारा वंश कौन सा है भगीरथ से वंश सर्वे कृत निर्धारा हमने संकल्प किया है समाजे वस्कृत प्रसारायाम हम संस्कृत पढ़ाएंगे हम अनुवाद नहीं पढ़ाएंगे हम बाल बाल बाला मी वह मह नहीं पढ़ाएंगे हम संस्कृत भाषा का अध्ययन कराएंगे ऐसा एक सुंदर एक सूचक गीत आइए उसकी अग्रिम पंक्ति का अध्ययन करते हैं निपत तो पंडित हर शिसी प्रवह तु नित्य वचसी प्रविश तु मुखम नरपिवता जनमनसी पुत्रसहस्रम समुदृत सैंकार धीरभीरथ वंशोस्माक वह तो कृत निर्धारा वह तो कृत निर्धारा द्वितय चरण पश्यामः ग्रामम ग्रामम ग देखिए संस्कृत जो भी पढ़ाएगा चाहे वह विज्ञान शिक्षक हो गणित शिक्षक हो संस्कृत शिक्षक हो हिंदी या गुजराती वाला शिक्षक उस शिक्षक को जब वर्ग खंड में संस्कृत पढ़ाने का अवसर मिलता है अथवा समाज में वो संस्कृत पढ़ाने के लिए सन्नद्ध होता है तब यह पंक्ति ग्रामम ग्रामम ग संस्कृतशिक्षां यच्छाम सर्वेषामपि पितृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा तु कृतनिर्धारा कृत अपि तृप्ति हितार्थम् सभी लोगों की तृप्ति के लिए सबका कल्याण करने के लिए समाज कल्याणार्थम् संस्कृत पाठनम् केवलम् एकः विषयः एकस्य विषयस्य पाठनम् न केवल एक पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना इतना ही मात्र नहीं है कि कथय सर्वेशा तृप्ति ही, ही हिम कल्याण इसके लिए नहि गणयेमा सर्वे चर्चा केन प्रकारेण शक्यते संस्कृतस्य संस्कृत मध्यमेन पाठनम संस्कृत केन प्रकारेण पाठयामि ये सभी इन सभी को क्लेश कहा जाता है इसीलिए कवि ने कहा स्वक्लेशम नहीं गणये मा। तीसरी पंक्ति में बहुत ही बड़ी बात बताई कृते प्रयत्न किम न लं संति विचारा यदि प्रयत्न किया जाए तो क्या प्राप्त नहीं होगा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है अंतिम पद्यम या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूरा धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं धारा वह तो कृत निर्धारा, निर्धारा। अत्यम विशाल समृद्ध साहित्यम अस्ति मैं यहाँ पर गिनती करवाना नहीं चाहूंगा किंतु वेद उपनिषद पुराणा दर्शन संस्कृतस्य संस्कृत विविध साहित्य धर्मशास्त्र ज्योतिषम बहुस् संस्कृते व्याप्ति ही सुविशाला अंतिम पंक्त किम कथयतीनवाणी यता महे कृतिशूरा सुरवाणी देववाणी जनवाणी कर्तुम देववाणी को लोकवाणी बनाने के लिए यता महे ये मेरा गोपाल का या किसी एक संस्कृत शिक्षक का किसी एक संस्कृत पंडित का किसी एक प्राध्यापक का किसी एक व्यक्ति का एक संस्था का कार्य नहीं यतामहे प्रयतामहे वयम सर्वे मिलित्वा प्रयत्न कुर कृतिशूरा कर्म करने में जो शूर हैं जो अपने कार्यों को संपन्न करते हैं ऐसे कार्य संपन्न करने वाले शूरवीर सर्वे प्रयतामहें प्रयत्नं कुर्मः अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं कृतनिर्धारा कृतनिर्धारा प्रियाः गुरुजनाः अत्र एकं निवेदनम् अस्ति एतेषां गीतानां पाठनं गानम तथा स्मरण यदि वर्गखंडेशु भविष्य छात्रा संस्कृत पठने उत्साह वर्धिष्य इतना ही नहीं किसी कार्यक्रम में किसी स्पर्धाओं में हम हमारे छात्रों को इस गीत के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं संस्कृत गीतगानम अर्थात एक विशिष्ट प्रयोग भविष्यति अग्रिमम गीतम पश्यामा। अग्रिम गीते कवि ही किम कथयति समस्कृत चित्ता हा भारत भक्ता हा समस्कृत चित्ता भारत भक्ता भासुरचरिता जागरयाम या माष्ट्रम जागरयाम जागर या मीदृश सुंदर भाव सर्वे संस्कृत चित्ता हा। जिनका चित्त निरंतर संस्कृत में स्थित है ऐसे संस्कृत चित्त वाले व्यक्ति भारत भक्ता राष्ट्र नवोदय से आकांक्षा अस्ति जिनके मन में जिनके अंतकरण में राष्ट्र के नवोदय की आकांक्षा है ऐसे हम संस्कृत शिक्षक संस्कृत छात्र क्या करें राष्ट्रम जागरयाम आइए राष्ट्र को जगाएं राष्ट्र चेतना के लिए सन्नद्ध हो इति प्रथम पद्ये कवि ही लिखती मातृहिताय समग्रसमर्पित पुण्यधनानां राष्ट्रमिदम् सत्यविनिष्ठितकर्म मातृहिताय समग्रसमर्पित पुण्यधनानां राष्ट्रमिदं सत्यविनिष्ठितकर्मरतानां धर्मपराणां भूमिरियम् विश्वहितं मम जीवनसुखमिति कलितवतान्ननु देशोऽयम् इमामनन्तां नयामसुरदो जवेन शाश्वतपरमपदम् संस्कृतचित्ता भारतभक्ता राष्ट्रनवोदयकाङ्क्षिणः सुदृढमनस्काः भासुरचरिता राष्ट्रं जागरयाम यं राष्ट्रं जागरयाम जागरयामवयं जागरया प्रथमपद्ये एवं कथयति कविः मातृहिताय समग्रसमर्पित एषा मातृभूमिः एतस्यै समग्रं समर्पितं पुण्यधनानाम् एतत् राष्ट्रं पुण्यशालिनां महापुरुषाणां महा महा जनानाम एतत राष्ट्रम सत्य विष्ठकर्मरता जान जीवन जीवनस्य निष्ठा सत्ये अस्ना कर्मरता कर्मयोगि सी जो कर्मयोगी हैं ऐसे लोगों की भूमि धर्मपरा भूमि धर्मपरक लोगों की धर्मनिष्ठ लोगों की यह भूमि और विश्वहितम मम जीवनम वयम सर्वे अस्माकम अस्माकं कल, अस्माकं जीवनस्य एकं लक्ष्यं किं विश्वहितम मम जीवन सुखम जीवनस्य अन्यत किमपि भौतिकं सुखम न विश्वस्य हितम विश्वस्य कल्याणम इसीलिए उस श्लोक में कहा ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामयाः सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तो अत्र कथनस्य तात्पर्यं विश्वहितं मम जीवनस्य परमं सुखम्। इति कलितवतां ननु ननु मतलब वस्तु तहा। गुजराती में कहेंगे खरेखर खरेखर आदेश यह देश जिन लोगों ने ऐसा ग्रहण कर लिया है जिन लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि समग्र विश्व से सुखम समग्र विश्व से हितम कल्याणम एवं मम जीवन से परमम सुखम मम जीवन से प्रथमम सुखम ऐसा जिन्होंने ग्रहण किया है उनका यह देश ईमाम अनंताम पृथ्वीम नयाम सुरद अनंताम इस अनंत को जिसका पार ही नहीं ऐसी अनंत इस सृष्टि को नयामहा ले चले शाश्वतम स्थानम नयामहायम सर्वे भी जानी महा हम सब जानते हैं हम कहते हैं भारत विश्वगु आसी भारत विश्वगु आसत पुनः तस्याम दिशि उस दिशा में लेकर के चले इति भाव द्वितय पद्ये सर्वे कथय शांतिम्वानुयुरी न पूर्वज चिंतन मतिशभद स्नेहपुरःसरजीवनमनिशं स्यादिति तेषामभिलषितं वयमपि यत्नं विदद्महे निजपूर्वजवाञ्छितपरिपूर्त्यै तदेकमस्मज्जीवनलक्ष्यं मन्ये महिवयमनवरतं मन्ये महिवयमनवरतम् संस्कृतचिता भारतभक्ता राष्ट्र नोदय कांक्षिण सुदृढ़मनस्का भासुरचरिता राष्ट्रम जागरयाम वो राष्ट्रम जागरयाम जागर जागर ही कथयति सर्वे शांतिम अवाप्नुयुहु, इति मने अस्माकम नह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हमारा पूर्वज चिंतन शुभदम, हमारे पूर्वजों का अति शुभ कल्याणकारी यह चिंतन था क्या सर्वे शांतिम अवाप्नुयुहु, सबको शांति प्राप्त हो सभी को

जीवनम भवतु। इति स्यात् बुद्वी अभिलषितम् उन लोगों की यह अभिलाषा थी हमारे पूर्वज यह अभिलाषा रखते थे कि सभी लोग परस्परम प्रेम पूर्वक जीवन जीवेयु अहर्निशम इति जीवन बुद्वस्क चिंतन आसीत। उनकी अभिलाषा थी उनकी इच्छा थी हमें क्या करना है व्यय निज पूर्वज निज मम अस्माक सर्वेशा वांछित पूर्वज पूर्वज वांछित हमारे उन पूर्वजों की इच्छा की पूर्ति के लिए वयम अपनी प्रयत्न विदद्महे हम भी प्रयत्न करते हैं अंतिम पंक्त तदेकम् अस्मत जीवन लक्ष्यम एकमेव जीवन लक्ष्यम मनि वयम अनवरतम मन मही हमें यह याद रखना है इसको दृढ़ता पूर्वक लेके चलना है इसे मानना है वयम सर्वे अनवरतम निरन्तरं संस्कृतचित्ताः भारतभक्ताः राष्ट्रनवोदयकाङ्क्षिणः वयं सर्वे जानीमः एतस्य प्रकरणस्य नाम संस्कृतमहत्त्वगीतानि देशभक्तिगीतानि च अत्र कानिचित् देशभक्तिगीतानि अपि स्वीकृतानि सन्ति वयं पञ्चमं गीतं पश्यामः अतीवभावपूर्णम् एतद्गीतं भरतमाता बुधजनगीता निर्मलगङ्गा जलपूता शिरसि विराजितहिमगिरिमुकुटम् चरणे हिन्दुमहोदधिसलिलं जघनेशस्य लतातरुवसनं जय भारत जननी जय भारतजननी भारतमाता बुधजनगीता निर्मलगङ्गा जल पूता ऋषिवरघोषितमन्त्रपुलकिता पालिता, जय भारत जननी जय भारत भारतजननी निर्मल गंगा जल पूता मम मनसि सदा तव पदयुगलम् संस्कृत संस्कृति सततचिन्तनं भावरागलयतालमेलनं जय जननी जय भारतजननी भारतमाता बुधजनगीता अहम चिन्तयामि एतस्य गीतस्य अनुवादस्य आवश्यकता एव नास्ति अत्यन्तं सरलं भावपूर्णाः शब्दाः अस्माकं वर्गखण्डे यदि कश्चित छात्र उत्तम गायती कचित बालिका उत्तम गायती वेरयाम मैं यहाँ पर इतना अवश्य कहूँगा मेरा कंठ कदाचित कर्णप्रिय नहीं होगा किंतु यहाँ पर लय और राग आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुझे गाना ही होगा अतः अहम मम सामर्थ्य अनुसार पूर्णं प्रयासं करोमि अग्रिमं देशभक्तिगीतं गीतस्य शब्दाः सन्ति शूरा वयं शूरा वयं धीरा वयं सुतरा गुणशालिनो बलशालिनो गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम् द्वितीयं चरणं दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं जनसेवका अतिभावुका जनसेवका शुभ चिंतका नियतम धन कामना धन कामना सुखवासना च वंचना हृदय ऊर्जस्वला वर्चस्वला ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिश्चला हृदय गतभीत गतभीतो धृतनीतो दृढ़शक्त निखिला या मो वयम हम जा रहे हैं या मो यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला बीच-बीच में हम ध्रुव पंक्ति का गान कर सकते हैं यथा शूरवयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरा अन्तिमपङ्क्तौ कविः प्रार्थनां करोति कविः किम कथयति जगदीशहे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जयमङ्गलं परमोज्वलम् जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मन् नो देहि परमात्मन् शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरा गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरा शूरावयरावय अन्तिमपङ्क्तौ कविः कथयति हे जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जयमङ्गलं परमोज्ज्वलम् उज्ज्वलं जयं परमं मङ्गलं जयं नो देहि नो नह हमको हम सभी को देहि दीजिए जय मंगलम वयम सर्वे बालाहा समरांगणम गच्छा महा जीवनम प्रविशा महा पठनम कुर महा सर्वेशु अपिक्षेत्रेशु नो जयम देहि हम सभी को विजय दीजिए हम यशस्वी बने इति प्रार्थना अस्ती एवं एक सुंदर गीत कुत्रापि उपयोग शक्ति हम इसका प्रयोग कक्षा में कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं परम अब हम जिस गीत का अभ्यास करने जा रहे हैं तद गीतम पूर्व परिचितम् एवं पूर्वम् पाठ्य पुस्तके द्वादश्याम् गुजरात सर्व कारस्या द्वादश्याहा कक्षायाहा पाठ्य पुस्तके एतद् गीतम् आसीत् यह गीत था ही अद्या वयं तस्या लयस्य अभ्यासम् कुर्मा मृदपि च चंदनमस्मिन्देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला ह सर्वे श्री रामा सर्वे श्री रामा यही गीत हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है यथा चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है तेन लयेन एक गीत अनूद अस्त अनुवादकर्ता श्रीमान जनार्दन हेगड़े महोदय

जनसेवा धनशक्ति जनसे यत्र जनसेवाय यीड़ा वनराज धेनुर्माता परमशिवा, धेनुर्माता परमशिवा, नित्यं प्रातः शिवगुणगानं गुणगानम खलु शत्रुपरा यत्र च बाला स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः अग्रिमं चरणम् भाग्यविधायि निजार्जितकर्म यत्र श्रमः श्रियम् त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं शंसति यति वाणी यत्र च बालादेवीस्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः अंतिम चरणम् यत्र ही नई वसवदेहि मोहा युद्धरतानाम वीरानाम यत्र ही कृषकः कार्यरतसन् पश्यति जीवन सफल्यम् पश्यति जीवन सफल्यम् एक ह कृषकः एक किसान किसान अपने जीवन की सफलता कहाँ देखता है कृषक कार्यरत सन वो हल चलाते हुए वो खेती बाड़ी करते हुए अनाज उगाते हुए उसी में उसे अपने जीवन की सफलता दिखाई देती है तो यहाँ पर पूरे गीत के भावार्थ की आवश्यकता ही नहीं अत्यंतम सरलम रोचकम च गीतम पुनः पूर्णम करोमि। यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवनसाफल्यं पश्यति जीवनसाफल्यम् जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी यत्र च परशिवपदसेवा यत्र च परशिवपदसेवा अन्येषां जनानां पदसेवा दीना दरिद्राण पीड़िता जान सेवायाम जीवन से कल्याणम अस्त जीवनलक्ष्य न धन पदवी न धनम न पदवी कोई पद प्रतिष्ठा नहीं कोई धन की अपेक्षा कामना नहीं ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं जीवन से किम? जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी यत्र च परशिवपदसेवा यत्र च बालादेवीस्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः मित्राणि एतस्य पाठस्य अन्तिमं गीतम् एतस्य पाठस्य अर्थात् लोकप्रिय संस्कृतम इति पाठ से न लोकप्रिय संस्कृत से उसका एक जो छोटा भाग है संस्कृत महत्व गीत और देशभक्ति गीत इस उपपाठ का यह अंतिम गीत है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है यद्यपि इस गीत का लय और राग चिर परिचित है तथापि अहम् प्रस्तुतम् करोमि। गीतस्य शब्दाहासंति भूमिरीयम् बलिदानस्य। भूमि ही इम् इम् एषा एशा, एशा भूमि ही बलिदानस्य भूमि ही। वीरानाम् भूमि ही, शूरानाम् भूमि ही। आगच्छंतु गीतम् बालका दर्शयामि वस्तेजोहिन्दुस्थानस्य तेजो भारतवर्षस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् गीतं वस्तुतः अत्यंतम सरल ही अस्ति। अलंकृत बालकः एत, बाल एत आगे हे बालका एत एक बाल अहम दर्शयामी हूँ बताऊ छु मैं आपको दिखाता हूँ किम दर्शयामि? तेज हिंदुस्थन से तेज मैं आपको कुछ तेज दिखाता हूँ झांकी दिखाता हूँ स्मरणं कुर्वन्ति हिन्दीभाषायाः तद्गीतम् आम तेनैव लयेन निर्मितं गीतं एतत प्रथमं पद्यं गायामः उत्तरभागे रक्षणकर्ता नगाधिराजो विख्यातः दक्षिणदेशे पदक्षालको महासागरः प्रख्यातः पश्यत यमुना तीरं परम पावनं भूलोके परम पावनं भूलोके स्थाने स्थाने यद् दिव्यत्वं नैव सुराणामपि नाके एकमेव तत्स्थानं चैतद्देवानामवतारस्य देवानामवतारस्य देवानाम अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं कथं लेखकः अत्र चिन्तनं कृतवान् उत्तरभागे रक्षणकर्ता नगाधिराजः हिमालयः रक्षणं करोति दक्षिणदेशे दक्षिण भारत पदक्षालक पैरों पेर को धोना स्वयं महासागर प्रख्या पश्यत गंगा यमुना परम पावनम भूलोके भूलोके परम पावनम दृश्यम किम गंगा यमुना तीरम अनंतरम पश्यत गंगा यमुना परम पावनम भूलोके स्थाने स्थाने यत दिव्यत्वम दिव्यत्वम एकम दिव्यम वातावरणम अस्ति प्रतिस्थानम हर एक जगह पर एक दिव्य अनुभूति ऐसी दिव्य अनुभूति नैव सुराणाम अपि नाके नाके नाक नहीं नाक का अर्थ होता है स्वर्ग अमरकोश में अमर सिंह ने लिखा स्वर स्वर्ग नाक त्रिदिव त्रिदशाल सुरलोको दौर्दिव क्लीबे त्रिविष्टपम स्वर्ग के नाम बताए कवि अमर सिंह ने उसमें स्वर्ग का एक नाम है नाक तो इस गीत में लिखा है अपि स्वर्गलोके नास्ति स्वर्गलोकेदृश दिव्यम वातावरण भारत अस्ति इसीलिए एक प्रतिष्ठित वाक्य भी है दुर्लभम भारते जन्म अत्र जन्म प्राप्त सौभाग्यस्य विषय अतः सुरा देवानाम स्वर्गलोके अपि एकताद दिव्य वातावरण नास्ति अ पद्यम पशा अंतिम पद्ये वस्तुतः मित्रण अंतिम पद्यम नास्ति। यह गीत तो पांच पद्यों में लिखा गया है किंतु यहां पर राग और लय को प्रस्तुत करने के लिए केवल दो पद्यों को समाविष्ट किया गया है अंतिम पद्यम रजपूताना में खडगे ये धर्मरक्षण युद्धे मरण ये सम्मान अत्रैवासितप्रतापवीरो विश्वेस्मिन् यो बहुमान्यः विश्वेस्मिन् यो बहुमान्यः शीलरक्षणे भस्मीभूता अत्रासङ्ख्यापद्मिन्यः रजसुपूतं वीरपदाब्जैस्थानं चैतद्देशस्य स्थानं चैतद्देशस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् एवं वर्गखण्डे देशभक्तिभावपूर्णवातावरणनिर्माणार्थम् एतादृशानाम् उत्तमानां गीतानां प्रयोगं कुर्मः धन्यवादः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्